जिले के दिग्रस तहसील में नागपुर की एसएमएस लिमिटेड कंपनी द्वारा किए गए अवैध खनन मामले की जांच पर दिग्रस राजस्व विभाग की लेट लतीफी की आज मंडरा रही है। दिग्रस तहसील प्रशासन की सुस्त कार्यप्रणाली को उजागर करती यह खबर लिखी है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान ने। आइए देखते हैं क्या है यह मामला। बिल्ली को लेकर यह धारणा है कि बिल्ली जब आंख बंद करके दूध पीती है तो उसे लगता है कि उसे किसी ने नहीं देखा। इस तर्ज पर जामा मस्जिद खेत परिसर में किए गए अवैध खनन के मामले की बात की जाए तो बिल्ली के स्वभाव को दर्शाती यह धारणा दिग्रस तहसील राजस्व प्रशासन पर सटीक रूप से चरितार्थ हो रही है। अवैध खनन के इस मामले में तहसील प्रशासन की हालत भी आंख बंद कर दूध पीने वाली बिल्ली से अलग नहीं। आपको बता दें कि बीते करीब एक साल से दिग्रस तहसील में रेलवे मार्ग का कार्य कथित रूप से जोरों पर है। रेलवे ट्रैक निर्माण कार्य का ठेका एसएमएस लिमिटेड नागपुर नामक कंपनी ने लिया है। ऐसे में बीते कुछ महीनों में संबंधित क्षेत्र से मिट्टी और मुरुम का लाखों ब्रास का खनन कार्य किया गया, लेकिन इस कार्य के लिए तहसील प्रशासन से किसी तरह की कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन अनुमति संबंधित कंपनी ने नहीं ली। इस बात का खुलासा खुद तहसील कार्यालय दिग्रस द्वारा एक शिकायतकर्ता को दिए गए जवाबी पत्र में किया गया है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। मसलन, जब दिग्रस तहसील क्षेत्र में अवैध रूप से खनन जारी था तब राजस्व विभाग लापरवाही की किस गर्त में डूबा हुआ था? एसएमएस कंपनी ने संबंधित क्षेत्र में खनन के लिए कई जेसीबी, खनन सामग्री, ढुलाई के लिए कई ट्रक और मजदूर काम पर लगाए थे, तब संबंधित क्षेत्र के तलाठी मंडल अधिकारी पटवारी क्या घोड़े बेचकर सो रहे थे? उन्होंने इस अवैध उत्खनन के संबंध में कोई जांच पड़ताल क्यों नहीं की? यहां तक कि खुद जामा मस्जिद ट्रस्ट ने भी एसएमएस कंपनी से मस्जिद के खेत में खनन के निर्धारित करार के अनुरूप काम चल रहा है या नहीं इसकी कोई सुध तक नहीं ली, जिसका फायदा उठाते हुए इस बीच एसएमएस लिमिटेड कंपनी ने लाखों ब्रास मुरुम का अवैध खनन कर सरकारी राजस्व को लाखों रुपयों का चूना लगाने का खेल आसानी से खेल लिया। यह बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। बगैर रॉयल्टी के जामा मस्जिद के मौजा दिग्रस रामनगर परिसर की गट क्रमांक 39 क्षेत्र की 9.39 आर जमीन से लाखों ब्रास गौन खनिज का अवैध रूप से हुआ खनन और खनिज की ढुलाई का आरोप एसएमएस कंपनी पर लगने के बाद इस संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा तहसील कार्यालय दिग्रस को तत्काल जाँच रिपोर्ट पेश करने की ताकीद दी गई थी, लेकिन अब तक किसी तरह की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसे में इस मामले में तहसील कार्यालय की लेट लतीफी पर भी संदेह गहरा रहा है। देखना होगा कि इस अवैध खनन के मामले में राजस्व विभाग जांच प्रक्रिया की लेट लतीफी से बाज आता है या फिर अनदेखी और लापरवाही का नया कीर्तिमान स्थापित करता है या फिर सरकारी राजस्व से खिलवाड़ करने वालों का कच्चा चिट्ठा उजागर कर जांच की दिशा तय करता है। बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।